अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुदा की बस्ती से मैं हूं आपकी मेज़बान रूहा राशिद और इस वक्त मौजूद हूं स्टेक्स किंग के बिल्कुल सामने। ये बरकत मार्केट में सबसे मशहूर, सबसे टेस्टी, रीज़नेबल प्राइस में अमेजिंग रेसिपी और डिफरेंट सॉसेस के साथ स्टेक्स ये लोग बनाते हैं और इनकी स्टेक्स सबसे जो है ना वो यहाँ पर मशहूर हैं। बहुत सारे कस्टमर्स इनके यहाँ पर आते हैं, तो आइएगा इनसे जानते हैं कि ये स्टेक्स कैसे बनाते हैं और आखिर इतना मशहूर क्यों है इनका रेस्टोरेंट। जी नाजरीन, तो इस वक्त हमारे पास स्टेक्स किंग्स के ऑनर मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितना अरसा पहले आपने ये शॉप खोली? इस शॉप को तो 5-6 साल हो गए, लेकिन हमारा चूँकि नाम बिरयानी किंग और अब स्टेक किंग है, तो एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई स्टेक्स, जो कि एक इटालियन डिश है, उसी को यहाँ पर मुतारफ़ करवाए एक रीज़नेबल प्राइस में, यानी इसको हम कहते हैं दुनिया की सबसे सस्ती स्टेक, राउंड अबाउट 300। और ये एक स्टूडेंट पैकेज रखा, इसको काफ़ी पजीराई मिली और दूर दूर से लोग खाने आते हैं और काफ़ी ध्यान दिया अपनी रेसिपी और सॉसेस पे, अपने टेस्ट पे, तो उसी का ही मतलब अल्लाह ताला की करम नवाजी के बाद हमारे जितने भी कस्टमर हैं इसका अच्छा फीडबैक देते हैं और पसंद करते हैं और ख़ासकर इस रेट पर, इस पैकेज पर, तो माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि लोगों को पसंद आ रही है। अच्छा, पहले तो ये बात कि आप बिरयानी के लिए आपकी दुकान बड़ी मशहूर थी, उसके बाद आपको स्टेक्स का आइडिया कैसे आया कि इतने रीज़नेबल प्राइस में? लोग तो देखें, अगर उनकी क्वालिटी अच्छी है खाने की तो वो तो बहुत महंगे में एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लेते हैं और स्टूडेंट्स वहाँ जाके भी खाते हैं, लोग वहाँ जाके महंगा भी खाते हैं। आपको एक तो स्टेक्स का आइडिया कैसे आया, दूसरा इतने रीज़नेबल प्राइस रखने की क्या वजह थी? हाँ जी, इसका आइडिया बिल्कुल इसीलिए आया क्योंकि फूड से रिलेटेड है और हर चीज़ हमारी निगाहों से गुजरती है। हम देखते हैं कि एक स्टेक की डिश है और ये हमारी एलीट क्लास जो है वो लोग इसको खाते भी हैं और उनके कल्चर में भी ये शामिल हो गया, मतलब लाहौर में MM आलम रोड पे या डिफेंस वाली साइड पे कुछ बड़े रेस्टोरेंट में ये स्टेक्स चलती हैं। तो चूँकि हमारा फास्ट फूड से रिलेटेड था और स्टेक्स होती है बीफ में और चिकन में भी, तो हमने चिकन में मुतारफ़ करवाया कि इसके पैकेज को मतलब एक स्टूडेंट पैकेज में कैसे लाएं, क्योंकि बरकत मार्केट का जो सराउंडिंग एरिया है आप जानते हैं कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्टल से जुड़ा है, तो हमारा जो मोस्टली कस्टमर है वो कम प्राइस वाला है, मतलब 200-300 इसमें खाने वाला, तो हमने ये कोशिश की कि इस डिश को इस पैकेज में लाएँ और आम बंदे की पहुँच में दें। जब कोरोना का दौर आया, लॉकडाउन लग गया और सारे रेस्टोरेंट्स बंद हो गए, उस चीज़ ने कितना मुतासिर किया? और जब लॉकडाउन खुला तो आपके कस्टमर्स में देख सकती हूँ माशाल्लाह यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, उस हवाले से क्या कहेंगे आप? बस लॉकडाउन था, हम भी देखभाल के चलते थे, कोई ऐसी बात नहीं है कि शाम को खोल लेते थे, यानी कभी खोली कभी नहीं खोली, क्योंकि लोगों का भी हमको ख्याल था, ये बात नहीं कि नहीं, हम अपना भी ख्याल रखना चाहिए, लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी शिकायत नहीं मिली किसी से। अच्छा, यहाँ पर सफाई का मैं देख रही हूँ कि आपके सारे वर्कर्स ने मास्क पहने हुए हैं और उन्होंने ग्लव्स भी पहने हुए हैं, तो जो लोग नहीं इस चीज़ का ख्याल करते उसका क्या नुकसान है और उनको क्या कहना चाहेंगे? ये तो हमने मास्क के ना डब्बे ला के रखे हुए हैं, कस्टमर को भी हम दे देते हैं कि आप भी पहने, अच्छी चीज़ है, तो हम अपने जो वर्कर हैं उनको भी देते हैं कि यार पहन के रखो, कोई ऐसा इशू ना आए, तो कोई ऐसा आदमी खाता है कोई नहीं खाता वो बोलता कोरोना है कोई चीज़, लेकिन ये चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हम सारी देखते हैं तो हमको देखनी चाहिए। ये खाने के हवाले से जो सफाई हम देख रहे हैं कि आपका सारा खाना सामने ही बन रहा है, तो उस हवाले से क्या कहेंगे? हालांकि कई रेस्टोरेंट्स हम देखते हैं जो छोटे रेस्टोरेंट्स होते हैं उनमें गंदगी बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, लेकिन हमारा ये है कि सफाई के लिए मेरा ख्याल कोई 8-10 आदमी काम कर रहे हैं, लेकिन उनको सबको बोला कि सफाई रखनी है, किसी चीज़ की गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ अच्छे लोग भी आते हैं, ये नहीं कि मतलब कि ऐसे जो खाने पीने वाले नहीं, अच्छे लोग भी आते हैं और इंशाल्लाह सफाई देखते हैं तो खाते हैं। हमारा यही मकसद है कि सफाई रखना चाहिए, कोरोना को भी देखना चाहिए और पाकिस्तान को भी देखना चाहिए। कितने कस्टमर्स आ जाते हैं रोज़ के? ये तो अपनी ज़बान है ना, इस्तेमाल जैसे करें प्यार मोहब्बत की, तो इसीलिए कस्टमर हमको बहुत चाहते हैं, हम हर कस्टमर के साथ वेलकम कहते हैं, जी कहते हैं, और हमारे बुज़ुर्ग आते हैं, बहनें आती हैं, सारे आते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़बान में ऐसा है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब वहाँ पर स्टेक्स बन रही हैं नाजरीन, और बहुत सारी स्टेक्स मैं बनती हुई देख रही हूँ टेस्टी, वो देखते हैं कि कैसे बन रही हैं और इनके शेफ़ से भी बात करते हैं।
जी नाज़रीन, तो यहाँ पर स्टेक्स तैयार हो रही हैं। अब शेफ़ से बात करते हैं कि वो ये बनाते कैसे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताएं आपकी स्टेक्स की खास बात क्या है? खास बात हमारी ये है कि सोसेज अच्छी हैं और क्वांटिटी हमारी अच्छी है, तो इसलिए कस्टमर हमारे आते हैं दोबारा। अच्छा, मैंने ये सुना है कि जो स्टेक्स की सॉसेज आपके पास मौजूद हैं यहाँ आसपास वो किसी के पास नहीं है, तो सॉसेज कौन कौन सी होती हैं आपके पास? हमारे पास साल्सा सॉस है, पेरी पेरी सॉस है और मस्टर्ड है और बारबेक्यू सॉस है। अच्छा, लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे, तकरीबन कितने कस्टमर्स रोज़ आ जाते हैं? कम से कम 300 से ऊपर ही आ जाते हैं स्टेक के जो कस्टमर हैं हमारे पास। माशाल्लाह। अच्छा, अब ये बताएं कि रेसिपी क्या है स्टेक्स को तैयार करने की? रेसिपी तो हमारी जो शुरू से हम लगा रहे हैं वही है, इसमें चेंजिंग नहीं की, लेकिन इसमें हम ग्रिल पीस लगाते हैं, जिंगर पीस लगाते हैं, फ्राइज डालते हैं और ब्लैक ऑलिव, एलोपिनो और बाकी सॉसेज वही। तो ये आप बनाकर दिखाइएगा ज़रा कि कैसे बनते हैं। यहाँ पर अच्छा टेस्ट है और हम यहाँ के रेगुलर कस्टमर हैं, इधर ही पास में ही रहते हैं और हम अक्सर आते जाते रहते हैं, और इस मार्केट में अगर कोई आपने सैंडविच या बर्गर खाना हो तो हम इसी को प्रेफर करते हैं। यहाँ पे मैं एक आउट स्टेशन से आया हूँ, रेगुलर से यहाँ पे नहीं हूँ, और मैार जो है खाने का वो अच्छा है। मैं यहाँ पर पहले भी यूनिवर्सिटी में पढ़ता रहा हूँ और जो टाइम मेरे इधर गुजरा है मैंने काफ़ी यहाँ पर विज़िट किया है, खाया है, टेस्ट भी अच्छा है इनका, और काफ़ी अरसे के बाद मैं आ रहा हूँ और प्राइसेस स्टिल जो है ना वो मुझे ऐसी लग रही है कि ज़्यादा नहीं है। जो एक चीज़ 150 की कुछ 3-4 साल पहले थी वो आज 200 की है, तो आई डोंट थिंक सो कि बहुत बड़ा कोई डिफरेंस है। टेस्ट इनका ऑलरेडी मैं चेक कर चुका हूँ, अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया, तो पहले तो अच्छा था, बाकी अब खा के देख लेंगे। चलिए आप अपना खाना खाइए। तो जी नाज़रीन, हमने यहाँ पर कस्टमर्स की राय जानी कि उन्होंने इनका खाना कितना पसंद किया और वो कितना पसंद करते हैं। इनके यहाँ सफाई भी आप देख सकते हैं, इनके फैमिली हॉल में कितनी है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेज़बान रोहा राशिद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।